हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सविता फैमिली व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे स्कूल का रूटीन। तो हाँ, तो सबसे पहले मेरी मम्मी मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। और उसके बाद मेरी मम्मी जी मुझे 6 बजे उठा देती है, क्योंकि 7 बजे मेरी बस आ जाती है। और उसके बाद मैं यूनिफॉर्म पहन के मेरे बाल खोल रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी करूँगी गाइस। तो ये रहा कॉम्ब जो मैं यूजली यूज़ करती हूँ मेरे बाल बनाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से बाल बना रही हूँ। और मेरे बाल को सुलझाने के बाद मेरी मम्मी मेरी चोटी बना देती है। और मैं आंवला का तेल यूज़ करती हूँ वैसे आपको बता दूँ तो। और ये रहे मेरी मम्मी ने मेरे दोनों साइड के बाल बना दिए है। तो गाइस, अब मैं खाऊँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बनी थी मैक्रोनी, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो मेरी मम्मी ने ये मैक्रोनी मुझे दूसरे प्लेट में ला के दे दी, और फिर मैं अब इसे खा रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी मैक्रोनी बनी थी, तो मैंने मम्मी जी को बताया, तो मम्मी जी ने इसको टिफ़िन में भी दे दिया, यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस। और मम्मी जी ने मुझे फ्रूट ब्रेक के दिया एक केला, और वो रही मेरी वाटर बॉटल। तो मेरी मम्मी अब मेरा टिफ़िन पैक कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। और टिफ़िन रखने के बाद मेरी मम्मी जी ने मुझे एक गिलास दूध दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद मुझे दूध देने के बाद मम्मी जी ने खुद के लिए और पापा जी के लिए चाय बना के उनको पिलाया, और ख़ुद भी पिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हमने बातचीत करी, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। और उसके बाद मैं चली गई स्कूल, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और ये रहा एबी, इसको आपने एबी को आपने कुछ कुछ वीडियो भी देखा होगा तो। हाँ, तो ये रहे मेरे दो डॉग टैफी और कैली। टैफी और कैली मम्मी जी को देख के हमेशा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, तो जो गोल्डन वाला है ना, गोल्डन रिट्रीवर, वो है टैफी। और ये जो छोटा सा शिट्सू है वो है कैली। तो हाँ, मैं आपको उनका नाम बता रही थी गाइस। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितनी मस्ती करते हैं, आप गैस ही कर सकते हो, देख ही सकते हो गाइस, गैस भी नहीं देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ से मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस। तो हाँ, मैं स्कूल से आने के बाद मैंने बैग रख के मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और हाँ, ये रिम हमने आज टैफी कैली को नहला दिया था, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस। ये टैफी मेरे डॉग इतना ज़्यादा उछलते नहीं ना नहाते टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर जब वैसे सारे डॉग जी ऐसे नहाने के बाद अपने बाल छिड़कते होंगे इस जगह, तो हाँ मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल होगा डॉग्स के अपॉन। तो हाँ देखिए, कैली और टैफी बहुत क्यूट लगते हैं नहाते समय, वो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। कैली तो सबसे ज़्यादा छोटा लगता है जब वो नहाने के बाद उसके बाल बहुत गिल्ले हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा लगते हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। टैफी कैली को नहलाने के बाद मैंने अपना होमवर्क करा था गाइस। तो हाँ, और ये रही टैफी कैली कुछ क्यूट सी पिक्चर्स। और उसके बाद मैंने अपने होमवर्क करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए गाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो ए भी बीच में ये प्लांट्स खाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी मम्मी ने इसे साइड में कर दिया। तो पहले हमारे कुछ ऐसा था यहाँ पे, और अब हमने इसे हरा भरा कर दिया है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।